आप प्रसन्नता करते हैं, आप लोगों से तो बड़ी खुशी है, आप लोगों से नाराज नहीं है, आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, इसके हम आपके पक्ष में है। हम तो बराबर कहते हैं कि जब उधर मुक्ति मिलेगी आप सब लोगों को फिर वही अधिकार मिलेगा जो होना चाहिए। पिछली दफा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकार सवाल कर रहे थे तो मुख्यमंत्री नाराज हो गए थे और नाराज होकर ये तक कह दिया था कि अगर आप लोग ऐसे सवाल करेंगे, अगर आप लोग ऐसे छापेंगे तो हम मीडिया में फिर कभी बाइट नहीं देंगे। इसको लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया कि सर आप हमसे नाराज हैं, तो उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं हम आपसे क्यों नाराज होंगे, आप लोग तो हमारे सपोर्ट है, लेकिन आप लोगों पर केंद्र का कब्जा है, वो कब्जा जब हट जाएगा तो आप लोग सही तरीके से अपना काम कर पाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री वो जरा सुने आप लोग। आप लोगों को हम प्रसन्नता करते हैं, आप लोगों से तो बड़ी खुशी है, आप लोगों से नाराज नहीं है, आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, इसके हम आपके पक्ष में है। हम तो बराबर कहते हैं कि जब उधर मुक्ति मिलेगी आप सब लोगों को फिर वही अधिकार मिलेगा जो होना चाहिए, यही हम कहते हैं। लेकिन आप भी आपके खिलाफ कैसे बोलेंगे, भला आपके खिलाफ है, आपके तो पक्षधर में आप नाराज हो आप नाराज, आपके प्रति बड़ा पक्षधर है। हम जानते हैं आप लोग को जो चाहते हैं वो थोड़ी करने दिया जाता है, इसीलिए कि ऊपर का जो अधिकार है वो देखता है कि किसी चीज को हम ही ना बता रहे हैं। बतवा तो मेरा समझिए ठीक से, वो आपके हित में बोल रहे हैं। पूछताछ के लिए कल बुलाया है, कल बिहार के लिए अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, कल अरविंद केजरीवाल को कर ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है, पहले हेमंत सोरेन थे फिर अशोक गहलोत। सर लेकिन जो शिक्षक कल बड़ा दिन है, कल सवा लाख लोग माफी देंगे, कल बड़ा दिन है, कल तो बड़े पैमाने पर किया जाएगा ना। लेकिन लोग कह रहे हैं सर कि गड़बड़ियां की जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है इसमें, बीपीएससी में भ्रष्टाचार किया गया है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल जब आप जॉब दे रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है, कल जो आप नौकरी दे रहे हैं। आप जानते हैं आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ, जब साथ में था तो कभी बोला है सब बात, तो सब यही बोलता है कि ऊपर से कहा जाता है कि इतना बढ़िया काम हो रहा तुम लोग खिलाफ, इसलिए उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप लोगों को जो मन में आवे छापिए, इतना बढ़िया ढंग से सबकी बहाली होती है, देखा जाता है, कह दिया जाता है एकदम बिल्कुल जो कुछ भी होता है अपॉइंटमेंट ढंग से। हम फिर न कर दिए थे जी, हम उसी को न कर दिए थे, अब पहले तो हम पहले हम ही कर दिए थे कि पंचायत बीपीएससी का पंचायत और इसमें करके वो तो हो रहा था, तो इस बार तो हमने ही ना कर दिया खुद ही कि बीपीएससी कितना बढ़िया से काम करके तेजी से कर रहा है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं, इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, खूब मेहनत से काम करेगा। अब पहले कुछ बोलता था आजकल बोलता है, आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बोलो, हाँ पहले एक शब्द बोला था जब निकालिए पहले से कभी बोला था, मांझी जी भी बोल रहे थे, अरे जो बोले पहले बोला था निकाल के देखिए ना, कल एक बड़ा दिन है आप मानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा, हम आग्रह करेंगे अब आप लोग बात करना चाहते हैं तो हम चाहते न है कि आप मत बताइए, इसलिए कि आपको बोलेंगे तो आप ऐसी गलत बोल रहे कि आप लोग खिलाफ ना, आपके खिलाफ आप लोगों के बड़ा भारी पक्ष धर्म है सर, आप इंडिया गठबंधन को ऐसी है आप लोग के पक्ष में है, अरे आप सर सुनते हैं तो हम लोग कुछ बोले आप उसी का फिर अंड बंड दुरुपयोग शुरू करता है, का दौरा होने वाला है, मंत्री आ रहे हैं पांच नंबर सर, इंडिया गठबंधन तो टूट की बात कही रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार जो कर रही है कि आप लोग का कोशिश बेकार जाएगा, आपका बड़ा भारी नाराज नहीं ना सर, हम नाराज तो बच्चा सबको हम खुश है, बात तो समझिए हम जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग के पक्ष में ना बोलते हैं, नाराज नहीं आपसे, आप पर जो बिना मतलब का कंट्रोल करके आपसे उल्टा पुल्टा करता है
इसलिए ना आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यही हालत है, आपसे क्या नारा है। कल एक बड़ा दिन है, कल एक बड़ा दिन है बिहार के लिए, कल एक बड़ा दिन है बिहार के लिए, बड़े पैमाने पर मोदी भी कई तरह के आरोप लगाए। तो आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या कहा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जितने भी मीडिया वाले हैं वो बीजेपी वालों से बिके हुए हैं, केंद्र पर कब्जा है और इसीलिए लगातार वही दिखाते हैं जो केंद्र सरकार चाहती है। लेकिन मुख्यमंत्री का यह दावा रहता है कि हम जो अच्छा काम करते हैं मीडिया वाले उसको नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।